आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों की। साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो इंश्योरेंस एजेंट आपको नहीं लगा पाएंगे चुना, बनाने पड़ेंगे वीडियो और ऑडियो। जल्दी इंश्योरेंस एजेंट जो है आपको चुना जो है वो नहीं लगा सकेंगे, उन्हें आपको किसी भी प्लान की जानकारी देते समय ऑडियो और वीडियो का रिकॉर्ड जो है रखना होगा। वही इस दौरान उन्हें पॉलिसी की पूरी जानकारी जो है देनी होगी। इस वजह से मिस सेलिंग की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर रोक लग जाएगी। वह पिछले कुछ समय से देश के अंदर जो है मिस सेलिंग यानी गलत जानकारी देकर लोगों को बीमा पॉलिसी बेचने के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। बाद में कंज्यूमर फोरम में ऐसे कई हजारों जो केस यहाँ पर आए हैं, इनमें कमी लाने के लिए नए नियम जो है जल्दी लाया जा सकता है। वही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में जो है हाल में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने पत्र के जरिए जो है नियमों में बदलाव की मांग की है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो यूपी में अब गाड़ी नहीं चला पाएंगे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, सख्ती से लागू होगा जेल भेजने वाला कानून। यदि आप भी अपने घर के नाबालिग बच्चों को बाइक स्कूटर या फिर कार चलाने या फिर कहीं आने जाने को दे देते हैं तो आज से ही ऐसा करना आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यूपी में जो है गाड़ी मालिकों को जेल भेजने वाला कानून जो है अब सख्ती से लागू होने जा रहा है। यदि इस कानून का उल्लंघन करते अगर कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना जो है लगेगा, साथ ही जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के इरादे से मोटर व्हीकल एक्ट को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। यूपी के सभी आरटीओ और एआरटीओ और इसके अलावा आरएम और एआरएम के साथ यहां पर इसके लिए पुलिस भी जो है, पुलिस की जिम्मेदारी भी होगी और जवाबदेही भी जो पुलिस की यहाँ पर तय की गई है। वह उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्तों द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी की सीमा के अंदर 18 साल से कम उम्र के किशोर और किशोरी को किसी भी यहाँ पर हाल में वाहन चलाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती है। इसके लिए पुलिस के साथ ही सभी परिवहन अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी नाबालिग किशोर या फिर किशोरी वाहन ना चलाएं। यदि कोई ऐसा करता हुआ मिलता है तो उसके नाम पर गाड़ी यहाँ पर होगी, उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है व्हाट्सएप को लेकर। जल्दी व्हाट्सएप चलाने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे, बड़ा बदलाव करने जा रही है कंपनी। व्हाट्सएप ने उन यूजर्स के लिए गूगल ड्राइव पर अपने अनलिमिटेड चैट बैकअप के लिए सपोर्ट बंद करना शुरू कर दिया है जिन्होंने मैसेजिंग ऐप के बीटा अपडेट के लिए साइन अप किया है। ये जानकारी एक रिपोर्ट के हवाले से यहाँ पर मिली है। वही प्लेटफॉर्म द्वारा एंड्रॉइड स्मार्टफोन के यूजर्स को अब फ्री क्लाउड स्टोरेज जो वो नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इसका असर केवल बीटा यूजर्स के लिए ये यहाँ पर ऊपर होगा, यानी बीटा जो टेस्टर होते हैं उनके लिए यहाँ पर इसका असर होगा। हालांकि आने वाले हफ्तों में या फिर महीनों में जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन के सभी यूजर्स के लिए गूगल ड्राइव का जो फ्री स्टोरेज जो है वो बंद किया जा सकता है। तो अगर ये बंद होता है तो आपको स्टोरेज खरीदने के लिए जो है पैसे देने पड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जो है ये बड़ी खबर है कि जल्दी जो है उन्हें जो है व्हाट्सएप चलाने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं स्टोरेज को लेकर। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार हिट एंड रन कानून को अभी नहीं करेगी लागू, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ली है हड़ताल वापस। पिछले कुछ दिनों से ट्रकों के ड्राइवरों की हड़ताल ने जो है लोगों के पसीने चुरा दिए। हर तरफ चक्काजाम और पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वीडियो सामने आ रही थी। इस बीच अब लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। दरअसल सरकार ने अभी हिट एंड रन कानून को लागू नहीं करने का फैसला किया है। वही कानून यहाँ पर लागू न करने का फैसला जो है वो यहाँ पर किया है। ऐसे में ट्रक संगठनों ने जो यहाँ पर ट्रक मालिक है उनसे हड़ताल वापस लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय जो गृह सचिव जो है अजय भल्ला, उन्होंने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। ये मुलाकात जो है वो सफल रही। इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रकों के मालिकों से जो है काम पर लौटने का अनुरोध जो है वो किया, यानी काम पर लौटने का अनुरोध जो है उनसे यहाँ पर किया। उसके बाद जो है हड़ताल जो है वो फिलहाल के लिए यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। बता दें आपको केंद्रीय गृह सचिव जो है राजीव भल्ला, उन्होंने ऐसे में कहा कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव से चर्चा की है, सरकार अभी नियम लागू नहीं करना चाहती है। हम अभी कहना चाहते हैं कि आईपीसी की धारा 106(2) को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर फैसला जो है वो लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दिसंबर 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया है रिकॉर्ड। 1202 करोड़ लेनदेन के जरिए 18,23,000 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने जो है दिसंबर 2023 में 1202 करोड़ का ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। वही इस दौरान लोगों ने जो है 18,22,949 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया है। वही एक महीने पहले जो नवंबर में जो है 1123 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ था, उसमें 17,39,740 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे।
वही NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेमेंट के सिस्टम के बारे में जो जानकारी जो है वो यहाँ पर शेयर की है। वह दिसंबर के आंकड़ों को देखें तो सालाना आधार पर ट्रांजेक्शन की संख्या में 54% और इसके जरिए ट्रांसफर किए गए अमाउंट में जो है 42% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड में ऑनलाइन बदलाव के लिए देने होंगे पैसे, नए नियम हुए हैं लागू। आधार कार्ड को लेकर जो है बड़ी खबर। दरअसल नए साल में जो है अब आधार कार्ड में आपको कोई भी अगर बदलाव करना है तो आपको जो है पैसे जो है वो आपको देने होंगे। दरअसल बात यह है कि अगर आप आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको जो है फीस का भुगतान करना होगा, जबकि इससे पहले आधार अपडेट कराने पर कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं देना होता था। 31 तारीख तक जो है बिल्कुल फ्री में आधार अपडेट किया जा सकता था, लेकिन अब जो है जनवरी महीने से जो है आपको आधार में किसी प्रकार के कोई भी बदलाव अगर आपको करना है तो ₹50 का भुगतान जो है आपको अब आधार के लिए करना होगा। इसके अलावा ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। अगर आप 23 में से ऐसा नहीं कर पाए तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। देर से ITR फाइल करने पर जो है ₹5,000 का जुर्माना जो है वो भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर फिलहाल यही है अपडेट की। आधार कार्ड में जो आप बदलाव जो करवाते हैं वो बदलाव जो है आपको 31 तारीख से पहले पहले करवा लेना चाहिए। नहीं अब आप आधार कार्ड की जो है आधार ऐप है उसमें अगर जाकर कोई भी आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट या पर आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी जो है आप नाम तिथि या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी अगर आप बदलवाते हैं तो आपको आधार कार्ड के लिए जो है ₹50 का शुल्क जो है वो देना होगा।